हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज नंबर 4, यानी कि ये रहेगा हमारे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज नंबर 76 से लेके 100 तक। ओके, ये हमारा टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 17 होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिजायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कपीस एंड द कटिंग टूल एंड कंस्ट्रेन ऑल पॉसिबल मूवमेंट। देखिए, जो नीचे दिए गए हैं लोकेटिंग, क्लैंपिंग, इजेक्टिंग या सारे, ये डिवाइसेस में से ऐसा क्या है जो रिलेशनशिप, जो हमें चाहिए वैसा रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, किसके बीच में? वर्कशिप और वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में। ठीक है, ये डिजायर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। प्लस क्या करता है ये? प्लस कंस्ट्रेन करता है जो भी जितनी पॉसिबल मूवमेंट है वो। तो ये काम जो है वो किसका है? लोकेटिंग डिवाइस का है। 77, द फंक्शन ऑफ इजेक्टर ऑफ अ जिगर फिक्सचर क्या है? इजेक्टर का फंक्शन क्या रहता है जिगर फिक्सचर में? टू गाइड द ड्रिल बिट ड्यूरिंग मशीनिंग, फॉर इजी रिमूवल ऑफ द वर्क पीस फ्रॉम द जिगर फिक्सचर आफ्टर मशीनिंग ऑपरेशन इज ओवर, टू लोकेट द सर्कुलर और सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इन जिगर फिक्सचर, टू लोकेट वर्क पीस हुज डायमेंशंस आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशंस। तो देखिए, इजेक्टर का फंक्शन है फॉर इजी रिमूवल ऑफ द वर्क पीस फ्रॉम जिग और फिक्सचर आफ्टर मशीनिंग ऑपरेशन इज ओवर। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद जिग फिक्सचर में से वर्क पीस को निकालने का काम जो करता है वो काम किसका है? इजेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए, वर्क पीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड, यानी वर्क पीस जिसमें होल्स है उसको लोकेट करना है। तो देखिए, जो सेंटर होल्स इज यूज एज अ ब्लैंक एंड वन ऑफ द अदर होल, जो सेंटर के अलावा वाला होल है, इज यूज एज अ ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, राउंड पिन डायमंड पिन या राउंड पिन रिल्यूट पिन या ऑल ऑफ द अबो। तो देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। चाहे आप प्राइमरी सेकेंडरी बोल दो, चाहे आप राउंड पिन डायमंड लोकेटर के तौर पे बोल दो, या राउंड पिन या रिल्यूट पिन के तौर पे बोल दो। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायमंड पिन रिल्यूट पिन दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबो आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, लोकेटिंग क्लैंपिंग प्रिंसिपल्स जो यूज नहीं कर सकते, टू रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी या नन ऑफ द अबो। तो देखिए, ऑपरेशन टाइम को रिड्यूस करना इसके लिए तो करते हैं, ऑपरेशन टाइम कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इंटरचेंजेबिलिटी भी अचीव होती है। तो ये सारे जो है वो इसके लिए क्लैंपिंग लोकेटिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हमें क्या बोलना है? नहीं करते, ये ढूंढना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 80, प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेशन सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन कि टू कीप अ मैक्सिमम लोकेटिंग पॉइंट्स, टू कीप अ मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स, टू कीप एनी नंबर ऑफ लोकेटिंग पॉइंट्स या नन ऑफ द अबो। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन ये सजेस्ट करता है कि हमें लोकेटिंग पॉइंट्स जो है मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम पॉइंट्स से हमें लोकेटिंग करना है। ऐसा नहीं बहुत सारी 10 15 20 पिन लगा दी और उससे हम लोकेट कर रहे हैं जॉब को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम लोकेटिंग पॉइंट का यूज़ करके, कम से कम लोकेटिंग पिन का यूज़ करके हमें जॉब को, वर्कपीस को लोकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 81, इन अ 6-पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल, जो लोकेटर से 4 नंबर और 5 नंबर वो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है? तो देखिए, जो 3-2-1 प्रिंसिपल है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है पहले कि सपोज लोकेटर नंबर 1, 2, 3 है, वो जो है उसके ऊपर हम अगर जॉब रखेंगे, तो ऑब्वियसली एक ये एक्सिस का रोटेशनल ये 1R हो जाएगा, ये एक्सिस का रोटेशनल बंद हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, प्लस ये नीचे नहीं जा सकेगा। ठीक है, नीचे नहीं जा सकेगा, यानी ये 1T हो जाएगा। तो ये तो रोकता है, ये जो 3 जो लोकेटर नंबर 1, 2, 3 की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लोकेटर नंबर जो यहाँ पे होता है 4 और 5। ठीक है, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन पे लगाया होता है, तो 4 और 5 नंबर का लोकेटर है जॉब को क्या करेगा, यानी जॉब कैसा होगा? इस तरह से होगा। देखिए, आप देख सकते हो, है ना? तो वो इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगा नंबर 1, तो एक हो जाएगा 1T, यानी ये सेकंड टी हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं वापस काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, 1T, पेन बदल लेता हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दिस इज़ 1T,
ओके, ये लोकेशन बंद करेगा। प्लस ये जो है एक हमारी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, या जस्ट सपोज ये एक्सिस है उसके अराउंड लोकेशन करना भी बंद कर दे, मतलब रोटेट करना बंद करवा देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी वन आर ये हो जाएगा। ओके, ये एक हो गया। और दूसरा कि ये जो है आप देख सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो है वो भी रोटेट करना बंद कर देगा, ठीक है, यानी जॉब जो है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन भी बंद करवा देगा, बट ये जो डायरेक्शन ये पहले से बंद ही है, ये इस यहाँ इसने कर ही दिया है ये पहले से, ठीक है। टू आर तो इसने रोक दी है, बची हुई वन आर जो है ये वाला प्लेन रोक देगा, यानी लोकेटर नंबर चार और पाँच रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, वन टी और वन आर, तो वन ट्रांसलेशनल और ये रहा वन ट्रांसलेशनल और वन रोटेशनल, यहाँ पे टू रोटेशनल है, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। यूजिंग सिक्स पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल, 3-2-1 प्रिंसिपल्स की बात चल रही है। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6 और 12। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग 6 पॉइंट लोकेशन मेथड या 3-2-1 प्रिंसिपल। लोकेटर्स यूज फॉर अनइवन सरफेस, देखिए अनइवन सरफेस है अगर, तो आप कौन सा लोकेटर यूज करना चाहेंगे, नेस्ट लोकेटर, सिलिंड्रिकल लोकेटर्स, फ्लैट लोकेटर्स है, इक्विलाइजिंग लोकेटर्स। तो देखिए सारे लोकेटर्स का अपना अपना खुद का फीचर है, खुद का काम है, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए सारे लोकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, बट जब अनइवन सरफेस की बात आती है तो देखिए यहाँ पे इक्विलाइजिंग लोकेटर्स इन चारों में से बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस कैसी अनइवन है। टू लोकेट द फ्लैट जॉब्स हैविंग राउंड एंड एंगुलर एंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर एम्प्लॉयड, देखिए राउंड अगर जॉब कैसा है, राउंड है या थोड़ा एंड जो है एंगुलर है, तो हम नीचे जो दिए हुए इसमें से कौन सा लोकेटर यूज़ करना चाहेंगे, वी लोकेटर, नेस्टिंग लोकेटर, कॉनिकल लोकेटर या डॉवेल। तो देखिए राउंड की बात चल रही है तो यहाँ से अंदाजा लग जाना चाहिए, राउंड या सेमी सर्क्यूलर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वी लोकेटर्स आना चाहिए। द रिस्क ऑफ द वर्क पीस बींग रॉन्गली लोडेड इज अवॉइडेड बाय, देखिए अगर वर्क पीस गलत लोडिंग ना हो जाए वर्कपीस का तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, डॉवल पिन से, प्राइमरी पिन से, करेक्शन पिन से या फुल प्रूफिंग पिन से। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फुल प्रूफिंग पिन जो रॉन्गली वर्कपीस को लोड ही नहीं कर देगा, लोड नहीं करने देगा, ठीक है। चलिए 86 से कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्रू क्लैम्प, स्क्रू क्लैम्प के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि रिलेटिवली लार्ज एफर्ट इज नीडेड फॉर क्लैम्पिंग, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए क्लैंपिंग के लिए, नंबर वन, वेरी लेस फटिक टू द ऑपरेटर, नंबर टू, और देर इज अ चांसेस ऑफ इंडेंटेशन ऑफ वर्क पीस इफ अ फ्लोटिंग पैड इज नॉट यूज्ड। तो देखिए ये तीन स्टेटमेंट है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो देखिए रिलेटिवली लार्ज एफर्ट इज नीडेड, तो ये तो एक डिसएडवांटेज है ही, तो ये ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ट्रू। वेरी लेस फटिक, तो देखिए ये गलत चीज़ है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि बहुत कम फटिक ऑपरेटर को लगता है, नहीं, स्क्रू क्लैंप में ज़्यादा लगता है क्योंकि बार 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 क्लैंपिंग करना पड़ता है, क्योंकि बोल्टिंग करना होता है तो रोटेट इतना करना पड़ता है, हर एक बोल्ट को हमें टाइट करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्क्रू क्लैंप में थोड़ा ऑपरेटर को ज़्यादा फटिक लगता है। चांसेस ऑफ इंडेंटेशन रहता है वर्कपीस को, फ्लोटिंग पैड अगर यूज़ नहीं किया तो देखिए, तो जो उसका एंड होता है पॉइंटेड एंड होता है, तो नीचे क्या कुछ पैड जैसा रखना पड़ेगा, तो पैड यूज़ करोगे तभी आपको इंडेंटेशन मार्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वर्कपीस पे है जो इंडेंटेशन मार्क करके छोड़ देगा, यानी एक कुछ ना कुछ मार्किंग करके छोड़ देगा वो, ठीक है, खट्टे जैसा थोड़ा बहुत पड़ जाएगा हल्का फुल्का। तो ये तो ये भी ट्रू है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 और 3 ट्रू है, तो ये रहा सी, 1 एंड 3। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज फॉर लोकेटिंग कॉम्पोनेंट्स हैविंग ड्रिल्ड होल्स, देखिए जिसमें होल है, तो होल है वैसे लोकेटर, वैसे जॉब को, कॉम्पोनेंट को लोकेट करने के लिए कौन सा लोकेटर आप चूज करोगे, सिलिंड्रिकल लोकेटर्स चूज करोगे, कॉनिकल लोकेटर्स चूज करोगे या जैक पिन लोकेटर्स यूज करोगे। तो देखिए ऐसे लोकेटर्स को ये सिलिंड्रिकल लोकेटर से भी किया जाता है, कॉनिकल लोकेटर से भी किया जाता है और जैक पिन लोकेटर से भी किया जाता है। डैश मीन्स डिजाइनिंग जिग्स एंड फिक्सचर्स विद सच अ डिवाइस इज सो एज टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटर टू इंसर्ट अ कॉम्पोनेंट इन टू अ जिग और फिक्सचर इन एनी पोजिशन
अदर देन करेक्ट वन। देखिए घुमा फिरा के इतना सारा लिखा हुआ है, बट इस सेंटेंस को समझोगे तो बहुत ही आसान है। देखो किसका मतलब होता है कि जिग और फिक्सचर को डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, विद सच अ डिवाइसेज, यानी ऐसे डिवाइसेज से डिज़ाइन करना है एज टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटर, यानी जो ऑपरेटर के लिए क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। देखिए क्या इम्पॉसिबल हो जाए, टू इंसर्ट, यानी इंसर्ट करना। क्या इंसर्ट करने की बात चले, कॉम्पोनेंट को। कॉम्पोनेंट को कहाँ इंसर्ट करना है, जिग और फिक्सर में, यानी जिग और फिक्सर में कॉम्पोनेंट को इंसर्ट करना ऑपरेटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। बट क्या किसकी बात चले, ये एंड में पता चलेगा। इन एनी पोजिशन, यानी कहीं पे भी कोई भी पोजिशन अदर देन करेक्ट वन, यानी करेक्ट के अलावा, करेक्ट जो पोजिशन है, करेक्ट पोजिशन के अलावा कहीं पे भी जो ऑपरेटर है वो जॉब को लोकेट कर ही नहीं सकता, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसी जो डिज़ाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल प्रूफिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था, बट बस सेंटेंस थोड़ा बहुत ही घुमा फिरा के और अलग तरीके से लिखा था, ठीक है। तो बात तो यही है कि क्वेश्चन को कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के भी पूछे तो आपको उसका जो मेन बेस है, बेसिक चीज़ है, वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा ना तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आएगा तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। चलिए 89 नंबर, पावर क्लैम्प कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। देखिए पावर क्लैम्प पावर कैसे यूज़ करता है, हाइड्रोलिक पावर यूज़ करता है, न्यूमेटिक करता है, या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो देखिए पावर क्लैम्प में दोनों पावर यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर भी होते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर भी होते हैं, तो दोनों आएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर कंसिस्ट ऑफ अ पॉकेट या कैविटी इन द जिग और फिक्सर बॉडी इन टू विच वर्क पीस इज प्लेस फॉर लोकेशन। देखिए ऐसा लोकेटर जिसके अंदर क्या है, पॉकेट है, पॉकेट यानी खड्डे जैसा, होल जैसा, कैविटी, ठीक है। तो ऐसा लोकेशन, ऐसे लोकेटर को क्या बोलते हैं, नेस्ट लोकेटर, बूज वी या सिलिंड्रिकल लोकेटर। तो देखिए तो ऐसे लोकेटर्स को क्या बोलते हैं, नेस्ट लोकेटर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज्ड इफ कंपोनेंट्स बीइंग लोकेटेड हैव रफ और अनमशीन सरफेस। देखिए रफ और अनमशीन सरफेस है, कंपोनेंट को लोकेट करना है ऐसी सरफेस पे, तो कौन सा लोकेटर आप चूज करोगे, फ्लैट लोकेटर, सिलिंड्रिकल लोकेटर, जैक पिन या ड्रिल बूज लोकेटर। तो देखिए ऐसे लोकेटर्स हमें यूज़ करना है, जैक पिन लोकेटर यूज़ करना है जब कैसा है, जो सरफेस है रफ या तो अनमशीन है। कॉनिकल लोकेटर का एडवांटेज क्या है, इजी लोकेशन है ओनली, सेल्फ सेंटरिंग है ओनली, या इजी लोकेशन है सेल्फ सेंटरिंग ओनली, या नन ऑफ द अबव। देखिए तो कॉनिकल लोकेटर का ये एडवांटेज ये है कि लोकेशन ईजी पड़ता है, सेल्फ सेंटरिंग भी खुद से खुद ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ईजी लोकेशन एंड सेल्फ सेंटरिंग दोनों आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द पिन इन ए ड्यूअल लोकेटर ऑफ जिग और फिक्सचर इज शेप्ड एज अ डायमंड पिन लोकेटर। देखिए ड्यूअल पिन में एक रहता है राउंड पिन और एक रहता है एक रहता है हमारा डायमंड पिन, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज डायमंड पिन डज नॉट वेयर फास्ट, इट इज ईजी टू क्लैम्प, इट अलाउज एनी वेरिएशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल, इट विल बी ईजी टू मशीन आफ्टरवर्ड द लोकेटर इज वॉर्न आउट। देखिए यहाँ पे ये डायमंड पिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो डायमंड पिन के जो सारे क्वेश्चन है अच्छे से कर लेना आप, है ना। तो डायमंड पिन का मतलब यही है कि जो सेंटर होल के बीच में जो सेंटर का वेरिएशन है वो उसको अलाउ करता है थोड़ा बहुत, है ना। हल्का फुल्का अगर आपका सेंटर डिस्टेंस करेक्ट नहीं है तो भी डायमंड पिन से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाई हुई है, तो यहाँ पे बस थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर, लोकेटर नहीं है, वेज लोकेटर, स्प्लिट ग्रूट लोकेटर, डॉवेल लोकेटर या वी लोकेटर। क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो वेज लोकेटर्स नहीं होता, वेज क्लैम्प होता है, ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए हील क्लैम्प है वो कैसा है, हुक बोल्ट, लीवर टाइप, क्विक एक्टिंग या वेज। तो जो हील क्लैम्प रहता है वो लीवर टाइप क्लैम्प रहता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लैम्पिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कि क्लैम्पिंग एंड कटिंग फोर्स शुड बी अप्लाइड टूवर्ड्स द लोकेटर, क्लैम्पिंग मस्ट बी क्विक, क्लैम्पिंग मस्ट बी ईजी, क्लैम्पिंग मस्ट बी फुल प्रूफ। तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट्स है वो सही है। देखिए क्लैम्पिंग है और कटिंग फोर्स है, शुड बी अप्लाइड टूवर्ड्स द लोकेटर, ये सारे है, कटिंग फोर्स भी और क्लैम्पिंग भी। वो लोकेटर्स जहाँ पे जिस दिशा में लोकेटर्स लगाए, फॉर एग्जांपल लोकेटर्स इस दिशा में लगाए हैं तो कटिंग फोर्स इस तरह से होना चाहिए, ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए, और क्लैम्पिंग भी इसी डायरेक्शन में किया हुआ होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जॉब इस तरह से हम उसको फिट रख सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द लोकेटर्स, अगेंस्ट द लोकेटर इस दिशा में, ठीक है। तो ये जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसा है नहीं, ये एग्जाम्पल है कि कटिंग फोर्स और क्लैंपिंग एक डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, क्विक होना चाहिए ये भी ट्रू है, इजी होना चाहिए ये भी ट्रू है, और फुल प्रूफ होना चाहिए ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। कैम इज यूज इन अ जिग, जिग में कैम यूज होता है। देखिए ये क्यों यूज होता है, लोकेट द वर्क पीस, लिफ्ट हैवी वर्क पीस, मूव द वर्क पीस फ्रिक्वेंटली, या टू क्लैम्प द वर्क पीस। देखिए कैम जो है एक तरह का क्लैंपिंग डिवाइस है, जो वर्क पीस को क्लैम करने के लिए यूज होता है। टॉगल क्लैम्प कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन फॉर क्लैंपिंग। देखिए टॉगल क्लैम्प रहता है वो अलग अलग एक्शंस के लिए यूज होता है, जिसमें से इनमें से कौन सी हमें ढूंढनी है। हाँ, होल्ड डाउन एक्शन यूज करता है, यानी नीचे की तरफ पकड़ के रखता है, दबा के रखता है। पुल एक्शन यानी खींच के रखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फॉर एग्जाम्पल इस तरह से इस दिशा में खींच के रखेगा, ठीक है, अगेंस्ट समथिंग, ओके। तो ये एक स्क्वीज एक्शन, स्क्वीज एक्शन यानी दबा के रखेगा, ये भी सेम चीज़ है थोड़ा बहुत। और ऑल ऑफ दी अबो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबो आएगा। चलिए इन्हें हील क्लैंप या तो स्ट्रैप क्लैंप, वन एंड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्क पीस। हील क्लैंप ऐसा है जिसमें एक जो एंड है वो क्या होता है, वर्क पीस के अगेंस्ट प्लेस होता है, और दूसरा जो है अदर एंड इज कंस्ट्रेंड बाय। दूसरा एंड कहाँ पे होता है, तो पिन और हील पिन, डॉवेल टैनन या बुस्तो, देखिए दूसरा है वहाँ पे हील पिन आती है, तो हील पिन पे कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पिन और हील पिन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वर्क पीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड। देखिए वर्क पीस है जिसमें होल्स है उसको लोकेट करना है। देन राउंड पिन इज यूज एज अ सेंटर होल, डायमंड पिन इज यूज इन वन ऑफ द होल्स एक्सेप्ट सेंटर, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबो। तो देखिए ये दोनों सही है, ये राउंड पिन को सेंटर होल पे यूज करेगा और डायमंड पिन को सेंटर के अलावा दूसरे होल्स में कहीं पे भी लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। तो चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चंस टोटल हमारे हो चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।